लक्ष्मी के कंधे पर टिकी ऋषि और मलिष्ठा की शादी। बालाजी टेलीफोन द्वारा निर्मित जी टीवी का लोकप्रिय धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी में काफी तड़केदार ड्रामा की एंट्री हुई है। पिछले एपिसोड में जैसा आप सभी ने देखा, आयुष लक्ष्मी से मिलने आता है और लक्ष्मी से घर लौटने का अनुरोध करता है। शुरुआत में लक्ष्मी जाने से मना कर देती है, लेकिन आयुष उसके सामने रो पड़ता है, जिसके बाद वो ओबेरॉय हाउस लौटने के लिए सहमत हो जाती है। दूसरी ओर ऋषि को लक्ष्मी की वापसी के बारे में पता चलता है और वह खबर सुनते ही उत्साहित हो जाता है। वह घर में लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियों में जुट जाता है। ओबेरॉय हाउस में लक्ष्मी का आगमन होता है, जबकि करिश्मा, नीलम और मलिष्का उसकी वापसी से परेशान और नाखुश रहते हैं। दादी, आयुष और वीरेंद्र उसका घर में स्वागत करते हैं, हालांकि लक्ष्मी घर लौटने का कारण बताती है। वो बताती है कि वह ऋषि को उसकी शादी की बधाई देने के लिए आई है और बाद में वो फिर घर छोड़कर चली जाएगी। लक्ष्मी ऋषि के कमरे में जाती है और ऋषि खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लक्ष्मी भावुक हो जाती है और बदले में उसे भी गले लगा लेता है। अब आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे, ऋषि और पूरे परिवार से मिलने के बाद लक्ष्मी ओबेरॉय हवेली को छोड़ने का फैसला करती है। जल्द ही वीरेंद्र और दादी लक्ष्मी से एक अनुरोध करते हैं, वे उससे ऋषि और मलिष्का की शादी की जिम्मेदारी देने के लिए कहते हैं। लक्ष्मी झिझकती है, लेकिन बाद में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। ऋषि और वीरेंद्र लक्ष्मी के फैसले से बेहद खुश हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए बने रहे IWM बस के साथ।